अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त वासित अली, और आपको जी वेलकम करता हूँ वासित अली टीवी चैनल में। और जी आपने बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है। जी आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ गाँव का और यहाँ की फसलों का, आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा माहौल होता है, कितना प्यारा मंजर होता है। हवा चली हुई है अभी, ये आपको दरख्त जो है दिखाई दे रहे हैं हिलते हुए, हवा चली हुई है, बहुत प्यारी हवा है। और सुबह सुबह का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, 10:30 का टाइम है। और जी मज़े हैं, फुल इंजॉय है, इधर बच्चे भी खेल रहे हैं, साथ में ये फसलें हैं और जानवर भी जो है वो फिर रहे हैं। और जी बहुत ही प्यारा मज़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जितने भी सिटी के लोग हैं ये खासकर उनके लिए जो है ना बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ सारे मनाजिर। आपका भाई वासित अली लोधी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, सब खैरियत है। आज जी मैं आपको दिखाता हूँ ये गाँव की जो फसलें हैं, फसलें तो अभी जो है कटाई हो गई है, और अभी इसका माहौल दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है गांव का। जो कि सिटी के लोग हैं वो बहुत कमेंट करते हैं कि जी गांव का माहौल दिखाएं, तो मैंने कहा गांव का माहौल दिखा दें। ये जी गांव का माहौल है, मैं आपको ये सारी फसलें, सारा एरिया दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पे जो जानवर फिर रहे हैं अपना जो है पेट भर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है, ताकि ऐसी जितनी भी मेरी वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी यहाँ के मनाजर जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। सुबह का टाइम है अभी, 10 बजे हैं, और जी हवा चली हुई है, बहुत प्यारी हवा चली हुई है। और जो है सुना होगा कि गांव में वो होती है ना घने दरख्त और साए, तो बहुत मज़ा आता है। कहते हैं ना कि शहर के जो एसी हैं उससे भी अच्छे होते हैं गांव के साए जो दरख्तों के होते हैं, ये सच बात आपने सुनी है। ये देखें जी ये सारे दरख्त खड़े हैं, ये सारे जितने भी खड़े हैं ये दरख्त खड़े हैं। और जी ये देख रहे हैं कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ का। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनके पास, जो जानवर खड़े हुए हैं उनके पास। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी इनके पास जाता हूँ और आपको जी मैं दिखाता हूँ जानवर जो खा रहे हैं इधर चारा। और ये देखें जी ये दरख्त हैं, अभी मैं जा रहा हूँ जानवरों के पास। ये देखें जी ये सारी फसलें हैं, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी फसलें हैं, और साथ साथ जो है ना वो गांव भी हैं, यानी दरमियान में फसलें हैं, साइड पे सारे गांव हैं। वही गांव के लोग जो हैं यानी हम लोग ये फसलें काश्त करते हैं इधर। ये देखें जी ये बकरियां खड़ी हैं, और ये भैंस जिसे कहते हैं वो है, ये भी वही है, और बाकी ये सारी बकरियां खड़ी हैं। और ये देखें जी ये साथ जो खड़े हैं ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये घर हैं, ये कुछ घर हैं, इसके बाद आपको ये नज़र आ रहे होंगे ये घर खड़े हैं पीछे, इसके बाद इधर कुछ घर हैं, ये पीछे अगर दूर जाएं तो उधर भी कुछ यानी एक बस्ती है वहाँ पे भी घर हैं, और ये फसलें आ गई, और यहाँ पे भी घर हैं, इस साइड पे भी, इधर भी घर हैं, कुछ चंद एक घर हैं, और इधर भी घर हैं, इस साइड पे भी घर हैं,
मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और सेंटर में जो है ना दरमियान में ये फसलें हैं बहुत प्यारी प्यारी, और ये फिर वही घर आ गए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जी, अभी मैं आपको जो जानवर चारा खाते हैं वो दिखाता हूँ। बहुत जी सुकून की जिंदगी होती है गांव की, क्या है कि यहाँ से जो होता है हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, स्कूल जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, स्कूल हो गए कॉलेज हो गए बहुत दूर होते हैं, या कोई चीज़ लेनी हो इमरजेंसी में तो वो फिर दूर से मिलती है, शहर दूर होता है। लेकिन जो आसानियाँ हैं वो ये है कि जब सिटी में लाइट ना हो बिजली ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना रहना घर में।